आप सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आज की ये सुबह आप सभी के जीवन में आशीष लेकर आए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभु का एक प्यारा सा वचन। तो ये वचन है मार्गदर्शन, क्षमा और रक्षा के लिए। तो आइए इस पढ़ते हैं भजन संहिता 25 इस वचन को। हे प्रभु, दाऊद कहते हैं, हे प्रभु मैं तेरा ही ध्यान करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझ पर ही भरोसा रखा है। मुझे लज्जित ना होने देना, मेरे शत्रु मुझ पर विजय ना होने पाएं, उन्हें भी लज्जित ना होने देना जो तेरी प्रतीक्षा करते हैं, परंतु वे लज्जित हों जो अकारण विश्वासघात करते हैं। हे प्रभु, अपना मार्ग मुझे दिखा, अपना पथ मुझे बता, अपने सत्य पथ पर मुझे ले चल और मुझे सिखा, क्योंकि तू ही मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। दिन भर मैं तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। हे प्रभु, अपनी अनुकंपा को, अपनी करुणा को स्मरण कर, क्योंकि तू उनको युग युगांत से प्रकट करता रहा है। हे प्रभु, अपनी भलाई के कारण मेरे यौवन के पापों और अपराधों को स्मरण न कर, किंतु अपनी करुणा के अनुरूप मेरी सुधि ले। प्रभु भला और सत्यनिष्ठ है, अतः वह पापियों को अपना मार्ग बताता है। वह नम्र व्यक्ति को धर्म पथ पर चलाता है। वह उसे अपना मार्ग सिखाता है जो प्रभु के विधान और साक्षी को मानते हैं। उनके लिए प्रभु के समस्त मार्ग करुणामय तथा सत्य है। हे प्रभु, अपने नाम के लिए मेरा अपराध क्षमा कर, मेरा अपराध बहुत भारी है। वह कौन है जो प्रभु से डरता है? उसको ही प्रभु वह मार्ग सिखाएगा जो उसे चुनना चाहिए। वह स्वयं समृद्धि में निवास करेगा और देश पर उसके वंश का अधिकार होगा। प्रभु अपने भक्तों पर अपने भेद प्रकट करता है, प्रभु उन्हें अपना विधान सिखाता है। मेरे नेत्र प्रभु की ओर टकटकी बांधे हैं, क्योंकि प्रभु ही मेरे पैरों को जाल से छुड़ाएगा। प्रभु मेरी ओर उन्मुख हो, मुझ पर कृपा कर, क्योंकि मैं एकाएक और पीड़ित हूँ। मेरे हृदय का कलेश इतना बढ़ गया है, मुझे संकट से मुक्त कर, मेरी पीड़ा और दुख को देख और मेरे सब पाप क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख, वे कितने बढ़ गए हैं, वे मुझसे तीव्र घृणा करते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मेरा उद्धार कर, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी ही शरण में आया हूँ। सच्चरित्रता और सत्यनिष्ठा मेरी रक्षा करे, क्योंकि मैं तेरी ही प्रतीक्षा करता हूँ। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके समस्त संकटों से मुक्त कर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, जो तू स्वर्ग में है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पृथ्वी पर भी पूरी हो। हे मेरे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, मेरे खुदा, कि तूने हम सबके जीवन में एक नया दिन दिया। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, कि तूने हमारे लिए दिन और रात को बनाया मेरे पिता, मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए, हे मेरे खुदा, तूने अपना लहू बहाया मेरे परमपिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, कि तूने हमें दिन भर की रोटी दी मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक समस्या, हर एक विपत्ति, हर एक महामारी से तू हमें बचाता आया है मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तूने हमें अपने लहू में कवर किया मेरे परमपिता परमेश्वर। अपना आशीष भरा हाथ तूने हमारे सिर पे रखा मेरे पिता, मेरे खुदा। तूने हमें अपने स्वर्गदूतों के पहरे पे रखा मेरे परमपिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदा। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, हम में से कई लोग ऐसे हैं मेरे परमपिता परमेश्वर इस धरती में मेरे पिता, मेरे खुदा, जो आज का दिन देख नहीं पाए मेरे पिता, हे खुदावन, लेकिन तूने हमें आज का ये नया सूरज दिखाया मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, आज हम तेरी इस आशीषों के कारण आज का ये नया दिन देख पाए हैं मेरे पिता। हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, तू बड़े हम घटे मेरे पिता, मेरे खुदा, तेरी इच्छा हम सबके जीवन में पूरी होने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा देते हैं खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, तू स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हे खुदावन, तू हमारी रचना करने वाला परमेश्वर है खुदा। तूने हमको बनाया है मेरे पिता, मेरे खुदा, हम तेरे बच्चे हैं खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, खुदावन, जब भी हम मुसीबत में आए मेरे पिता, मेरे खुदा, तूने अपने गले हमें लगाया परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमपिता परमेश्वर, जब हम भटके अपने मार्ग में से, हे खुदावन, तूने अपना मार्ग हमें दिखाया मेरे पिता, हमें हर एक पापों से, हर एक दुखों से, हर एक बुरे कर्मों से हमें बचाए रखा परमपिता
पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि तूने हमें सच्चाई का मार्ग दिया खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता मेरे खुदा, तेरे नाम को महिमा करते हैं मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर खुदावन कि तूने हमें अपने कार्य के लिए चुना, हे परमपिता परमेश्वर हम आम थे, तूने हमें खास बना दिया मेरे परमपिता परमेश्वर, अपनी आशीषों से मेरे पिता मेरे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को महिमा देते मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन तेरे हर एक कार्य के लिए, तेरी हर एक रचना के लिए, तेरे हर एक चमत्कार के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदा हम मानते हैं कि तू ही जीवित परमेश्वर है, तू ही एक परमेश्वर है, यीशु के नाम से मेरे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों के लिए अपना लहू बहाया मेरे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे इस लहू के लिए। हे परमपिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन जो सामर्थ्य तूने अपने बेटे यीशु नासरी को दी परमपिता परमेश्वर, आज हमें उस सामर्थ से भर दे मेरे पिता मेरे खुदा, अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दे मेरे परमपिता परमेश्वर खुदावन, ताकि हम भी उसके जैसे कार्यों को कर सकें और तेरे नाम को महिमा दिला सकें। हे मेरे पिता हम भी हर एक रोते हुए फेस में स्माइल ला सकें यीशु के नाम से मेरे पिता मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उस हर एक भाई बहनों के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर जो आज इस कोरोना वायरस से संक्रमित है मेरे पिता मेरे खुदा, आज तेरा लहू उन सबके ऊपर जाए मेरे परमपिता परमेश्वर, अपने लहू में हर एक भाई बहन को ढाक मेरे परमपिता परमेश्वर, हर एक संक्रमित को यीशु के नाम से तू चंगा कर मेरे पिता मेरे खुदा, आज हर एक भाई के जीवन से गवाही बनने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। हम हे खुदावन हे मेरे परमपिता परमेश्वर हम मेरे साथ जुड़े हर एक भाई बहन की इस प्रार्थना में अपनी 100 गुना आशीष दे मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा इस पूरे विश्व से यीशु के नाम से ये कोरोना वायरस को धुआं बन के उड़ा दे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदा तेरा वचन कहता है मेरे परमपिता परमेश्वर तू असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर है। खुदावन हे परमपिता परमेश्वर आज इस विश्व में फैली इस महामारी के असंभव कार्य को, हे परमपिता परमेश्वर इस महामारी को इस पूरे विश्व से उड़ाने की जिम्मेदारी हम तेरे हाथों में देते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन पूरे विश्व में से ये कोरोना वायरस को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दे मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर अपनी महिमा पूरे विश्व में दिखा मेरे परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर। इस बढ़ते हुए नंबरों को यीशु के नाम से घटा दे मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर आज तेरे नाम की गवाही हर एक जन के जीवन से बनने पाए यीशु के नाम से परमपिता परमेश्वर, आज तेरा लहू हर एक जन के ऊपर आने पाए यीशु के नाम से मेरे पिता, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के पहरे में सबको रख मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा ताकि कोई भी शैतान हे परमपिता परमेश्वर यीशु के नाम से किसी के जीवन में इस किसी के शरीर में परमपिता परमेश्वर हे खुदावन अटैक न कर सके यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर, आज तेरी नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। हे खुदा आज तेरे आगे हर एक बंदा मेरे परमपिता परमेश्वर घुटनों में आए खुदावन और तेरे आगे सिर झुकाए मेरे परमपिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना करने की आत्मा से सबको भर दे मेरे पिता। हे खुदावन अपने वचनों की भूख दे मेरे पिता, सबको पश्चाताप करने की आत्मा से भर दे मेरे पिता मेरे खुदा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं खुदावन, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा कर मेरे परमपिता परमेश्वर, इस विश्व से इस महामारी को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा दे मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर खुदावन तेरा वचन कहता है खुदा कि अपनी सारी चिंताओं को मेरे हाथ में तो मैं तुम्हारा यहोवा तुम्हारा पिता तुम्हारी चिंता करता हूं। खुदावन आज इस विश्व में फैली महामारी की चिंता मैं तेरे हाथों में देती हूं मेरे पिता, हर एक उस माँ के आंसुओं को मैं तेरे हाथों में देती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर, जिनके बच्चे आज हॉस्पिटल में एडमिट हैं संक्रमित हैं इस कोरोना वायरस से मेरे पिता, उन सब हर एक जन के टूटे हुए मन को तेरे आगे रखती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तू परमेश्वर है सबका, तू है परमपिता परमेश्वर, तू खुदा है सबका मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन तूने हम सबकी रचना की, हम तेरे बेटे बेटियाँ हैं मेरे पिता। हे खुदावन तू इस असंभव कार्य को संभव कर परमपिता परमेश्वर, अपने छिदे हुए हाथों से सबका इलाज कर मेरे पिता। हे खुदावन आज यीशु के नाम से हर एक संक्रमित यीशु के नाम से आज चंगा होने पाए मेरे पिता मेरे खुदा, आज तू सबका इलाज कर मेरे परमपिता परमेश्वर, यीशु के नाम से सबको चंगाई दे यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर, ये प्रार्थना आज हर एक के जीवन में 100 गुना आशीष लेकर आए मेरे परमपिता परमेश्वर,
इस महामारी से छुटकारा दिलाने की जिम्मेदारी मैं तेरे हाथों में देती मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, आज तू स्वर्ग लोक से अपने हाथ फैला मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, अपने स्वर्ग दूतों को तू आज पृथ्वी पे भेज मेरे पिता मेरे खुदा। हे खुदावन, ताकि ये शैतान को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा सके मेरे पिता। हे खुदा, आज तेरे नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता। हे खुदावन, आज तेरे नाम की महिमा होने पाए। तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु राजा कि तू आज हम सबकी प्रार्थना को सुन रहा है, इसमें 100 गुना आशीष देने जा रहा है। खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर। हे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर की तू आज धरती से, इस पृथ्वी से उस शैतान को यीशु के नाम से धुआं बन के उड़ा रहा है मेरे परमपिता परमेश्वर। आज तू हर संक्रमित को यीशु के नाम से चंगा करके घर भेज रहा है खुदावन। आज इस कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या को, जो बढ़ती हुई संख्या है, उसको तू घटाने जा रहा है यीशु के नाम से मेरे पिता। आज तू अपना आशीष भरा हाथ पूरे विश्व के सिर पर रखने जा रहा है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे पिता मेरे खुदा। हे परमपिता परमेश्वर, हे खुदावन, तूने हमें विजन पे दिखाया मेरे परमपिता परमेश्वर। खुदावन, डॉक्टरों को, बहुत सारे डॉक्टरों को मास्क पहने हुए मेरे पिता। हे खुदा, तू अपने विजन के द्वारा हमें अंधकार दिखाया मेरे पिता, ताकि हम तेरी प्रार्थना कर सकें। मैं ये वचन तेरा, ये तेरा मैसेज मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकूँ। हे खुदा, तेरी मर्जी को मैं हर बंदे तक पहुँचा सकूँ। हे खुदावन, कि तू हमें प्रार्थना करने की आत्मा से भर रहा है परमपिता परमेश्वर। तू हमसे चाहता है कि हम प्रार्थना करें पूरे विश्व के लिए खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो मेरे पिता मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर कि तूने हमें विजन के द्वारा बात की मेरे परमपिता परमेश्वर। तूने आने वाली परिस्थितियों के बारे में हमें बताया मेरे परमपिता परमेश्वर, आने वाले अंधकार के बारे में हमें दिखाया मेरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदावन, इस कोरोना वायरस के फैलने के लिए तूने हमें बताया मेरे खुदा, ताकि हम, हे परमपिता परमेश्वर, अलर्ट रह सकें, हम तेरी प्रार्थना में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें, हम फास्टिंग प्रेयर पे जा सकें खुदावन, ताकि हम तेरे द्वारा बचाए जा सकें। हे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, तूने अपना प्यार, अपनी करुणा हमारे जीवन में दिखाई खुदावन। हे परमपिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, अपनी इस प्रार्थना को तेरे हाथों में देते मेरे पिता, इस प्रार्थना में 100 गुना आशीष देने की जिम्मेदारी तेरे हाथों में देते मेरे पिता मेरे खुदा। हम तेरा धन्यवाद करते मेरे परमपिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, हर एक जन को अपनी प्रार्थना करने की आत्मा से भर दे मेरे पिता, सबको अपने लहू में कवर कर। हे खुदावन, सबके जीवन में अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दे मेरे पिता। हे खुदावन, सबके जीवन से भय की गंदी आत्मा को दूर कर यीशु के नाम से मेरे पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है मेरे परमपिता परमेश्वर कि तू हमें भय की आत्मा नहीं, सामर्थ की आत्मा देता है। खुदावन, आज तेरी ये सामर्थ की आत्मा सबके जीवन में उतरे परमपिता परमेश्वर। हे खुदा, तेरी आज जीवन की ज्योति हर एक जन के जीवन में उतरे मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक संक्रमित आज यीशु के नाम से चंगा होकर घर लौटने पाए मेरे पिता। हे परमपिता परमेश्वर, हर एक डॉक्टरों को यीशु के नाम से मेरे परमपिता परमेश्वर खुदा अपने लहू में कवर कर। हर एक उन जनों को मेरे परमपिता परमेश्वर जो फ्रंट लाइन पे कार्य करें परमपिता परमेश्वर अपने लहू में कवर कर। हे खुदावन, सबके जीवन में अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा परमपिता परमेश्वर, सबको सही सोच समझ ज्ञान की आत्मा से भर दे मेरे पिता मेरे खुदा, ताकि सब तेरे बताए हुए रास्ते पे चल सके यीशु के नाम से, तेरे नाम को महिमा मिल सके, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, तेरे प्यारे नाम से मैं मांगती हूँ, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए मेरे परमपिता परमेश्वर, इस महामारी से छुटकारा मांगती हूँ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन, इस बढ़ी हुई संख्या को घटने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से मेरे पिता। हे खुदावन, मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ खुदावन, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, कि तू मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता आया है मेरे खुदा, आज भी मेरी इस प्रार्थना को सुनने जा रहा है खुदावन। तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरे यीशु के प्यारे नाम से मांगती हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यहोवा, इन द नेम ऑफ होली स्पिरिट। आमीन, आमीन, आमीन।